दोस्तों हम आ गए हैं 2022 में और काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, सिर्फ कहने को है ना। मतलब ये सिर्फ कहने के लिए है कि हम अभी 7, 8, 9, 10 जनरेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं जैसे कि 15, 17 साल पहले करते थे। यानी कि यहाँ पे अगर दिखाऊँ मैं तो देख लो ये क्या है, यहाँ पे लॉक निकला हुआ है, हीट लगा हुआ है, बायस प्रोग्राम कर दिया गया है, बहुत बढ़िया। और बाकी अगर थोड़ा सा मैं इसको देखना चाहूँ बोर्ड को, तो ना तो इसमें आईओ का रिक्वायरमेंट चेक किया हुआ लग रहा है, ना तो कहीं पे मेरे को कुछ टच या आपकी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि मल्टीमीटर लगे होने का या DSO है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा होगा ऐसा मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो बात यही हो गया ना कि बिना डायग्नोस किए यहाँ पे काम किया होगा। बस ये भी देख लो आप, अब ये क्या है, यहाँ पे भी लॉक नहीं है, यहाँ पे भी लॉक हटा के एक साइड से, और यहाँ पे दिख रहा है हिट लगा दिया गया, बहुत बढ़िया। और ये बायस टाइट कर दिया। तो अब क्या है, ये जो चीज़ है हिट लगाना और बायस राइट करना, ये 15 साल पहले चलता था लेकिन अभी भी चल रहा है ना। लेकिन कहाँ, अब 15 साल पहले कैसे चलता था ये देखो, 15 साल वाला पुराना केस। तो इसमें क्या है, इसमें हिट लगाऊंगा तो एक बार चलेगा है ना, इसमें नहीं चलेगा भाई साहब है ना, कि इसमें भी नहीं चलेगा। अब कहानी क्या है, अब ये जो सिस्टम है इसमें रैम क्रॉस नहीं कर रहा है ना, यानी कि रैम एड्रेस नहीं हो पा रहा है, तो आप ये GPU को क्यों हीट लगा रहे हो भाई साहब। अब ये इंटेल है, अगर ये ऑन नहीं हो रहा है, इंटेल आर्किटेक्चर में है तो ये अगर ऑन नहीं हो रहा है तो इसको हीट क्यों लगा रहे हो भाई। अब देखो हीट करके कैसे बनता है, अब मैं दिखाता हूँ। ये है, अब इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है, देखो मैं उसको ऑन करता हूँ और देखते हैं कि इसमें डिस्प्ले आता है या नहीं आता है। ये लो, और ये आ गया आपका DMM, साथ ही साथ चालू भी है DC मशीन। तो हम क्या करेंगे, तो चालू कर लेंगे, 901.1 900 इतना कंज्यूम हो गया, बट इसमें क्या होगा, आई थिंक डिस्प्ले नहीं रहेगा। चलो एक बार LCD मॉड्यूल भी लगा लेते हैं कि ताकि ये मालूम पड़ जाए कि इसमें सच में डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको लगा लेता हूँ मैं है ना, तो ये रह गया यहाँ पे और ये लग गया। तो अब लगा लो, इस चालू कर लेते हैं इसे हम। तो ये वाकई में नहीं आ रहा है, यानी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो इसे ठीक करना है हमें। नहीं आ रहा, 1.4 के आसपास कंज्यूम हो गया, नहीं आ रहा है। तो इसे देखो मैं कैसे एकदम से मैजिक करके ठीक कर देता हूँ, एकदम एकदम मैजिक हो जाएगा यहाँ पे, मतलब छू अंतर। तो ये रहा बोर्ड, और देखो हाँ, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए आना होगा यहाँ पे और करना क्या है, खोलो इसे, ऑलरेडी खुला ही है, और स्क्रू ड्राइवर चाहिए बस छोटा सा एक, है भी या नहीं है, नहीं चम्मच से खोल लूँगा इसे मैं तो, नहीं चम्मच से नहीं खोलते। स्क्रू ड्राइवर कहाँ गया, अरे भाई जरा समय लेके आता हूँ स्क्रू ड्राइवर को। ये मिल गया स्क्रू ड्राइवर, और इसे खोलूँगा मैं इसे, बड़े आराम से हो जाएगा ये। तीसरा इधर से ये खुल गया, इधर से ये खुल गया, ये निकाल लेते हैं, इसको रहने देता हूँ मैं। और ये आ गया हमारा GPU,
है ना। तो अब इसे भी जरा सा थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ, नहीं तो फिर बाद में ये दिक्कत करेगा और प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसलिए इसको हटा लेते हैं, नहीं तो ये भी दिक्कत करता है। अब ये अलग बात है कि हमारे कुछ लोग हैं ये बिना हटा के भी रिप्लेस कर लेते हैं। मैं एक बार गया था ट्रेनिंग लेने उनसे, बट नहीं दिए वो लोग, भगा दिए मुझे। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपको नहीं सिखाया जाएगा। तो ऑलरेडी इसमें कारनामा किया हुआ है लगता है मेरे से पहले, नहीं मुझे नहीं लगता कि इसको रिफ्लो करा गया है ना। तो इससे वैसे इसको भी निकाल लो इधर से आराम से, याद रहे अंदर ना चला जाइए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ये हो गया ठीक है, अब इसे भी थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। और ये हमारा असेंबली बोलने लग गया कि 1 मिनट चला लिया भैया बंद करो, तो बंद करेंगे अभी थोड़ा सा और। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे, खर्चा करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि खाली पैसा कमाने से नहीं होता है, खर्चा भी करना होता है। तो ये एक साइड से ये आ गया, ये आ गया। अब ज़रा सा इसमें हम ऊपर से ईट लगा लेंगे हल्का सा, ताकि ये प्लग्स सब तरफ चला जाए, यानी कि धूल मिल जाए। अब इसको ज़रा सा हम उल्टा करेंगे और इसको खोल लेते हैं, ये तो दिक्कत करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर से हीट लगाएंगे हम ऐसे, हल्का फ्लक्स दे लो इधर भी। अब क्या करना है, थोड़ा सा एयर बढ़ा लेते हैं क्योंकि एयर सही है ज़्यादा थोड़ा सा। और इसका एक टाइमिंग सेट कर लो 1 मिनट का, जब फिर इसको रख के चालू करता हूँ दोबारा से, तो ये टाइमिंग रिसेट हो गया इसका। अब 1 मिनट तक इसमें लगाते हैं हीट, है ना, ताकि ये थोड़ा सा रिफ्लो हो जाए। आएगा वर्निंग या नहीं आएगा, थर्टी टू 36, 39, 41, 42, 43, 44,
58 आ गया, ये 1 मिनट हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसको हम अब छोड़ सकते हैं कि लो भाई फिटिंग हो गया हमारा कंप्लीट, और ज़रा सा हम वेट करेंगे इसको कूल होने के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, इसको लगा लेते हैं और चेक करेंगे। ठीक है, अभी जब तक कूल होगा ये हीट सिंक लगा लेता हूँ मैं। तो ये हो गया, ये लग गया, इसको भी लगा लेते हैं। अब ये चलने लायक है तो देखते हैं क्या ये चलता है कि नहीं चलता है, है ना। जादू कर रहे हैं हम, यहाँ पे जादू कर रखा है मैंने। तो ये हो गया जादू, और ये कहाँ गया स्विच, ये हो गया ऑन। 1.8 9 950, अब इसको लगा लेते हैं एक बार ताकि मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। 1.7 तो आ गया, मुझे लगता है कि डिस्प्ले आ गया होगा, ये सपोर्ट नहीं कर रहा होगा यहाँ पे। अब इसको हटा लेता हूँ मेरे को, या फिर इसको ही ट्रिगर कर लेते हैं एक बार के लिए। तो ये क्या हो रहा है, नहीं आया, फिर से ऑन करो, डीसी रीडिंग तो गया काफ़ी, लाइट भी बंद हो गया, अभी आ गया डिस्प्ले, है ना। तो अब लगा लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि हमारा इसमें डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक, इसे चालू करेंगे हम। अब क्या होगा, अभी आ गया डिस्प्ले, देखो एच पी लिख के। इधर थोड़ा सा लाइट कम है तो ऐसे एक बार और ऑन कर देता हूँ मैं ताकि कंफर्मेशन मिल रहा है। देखना एच पी लिखा आएगा, डिमिंग है तो डिमिंग ठीक हो जाएगा। तो ये आपका बन गया क्या लैपटॉप, एकदम मैजिक करके, एकदम हीट करके। तो कैसा लगा, तो कहानी यही है, मतलब इसका स्टोरी का रीजन मतलब यही निकल के आता है सीखने वाला कि हीट इसमें लगाने से चलता है, इसमें 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 नहीं चलेगा, ऐसे में नहीं चलेगा। अगर हीट ही लगाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 15 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि इस तरह का बोलेंगे कंपनी वालों को, ऐसे ही बनाओ भाई जहाँ से हीट लग के रेडी हो जाए, है ना। एक तो ऐसे ही परेशान है कंपनियों के द्वारा कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके हमारा मानने पे लगे हुए है कि तुम काम मत करो, तुमसे नहीं, हमारा सेल करने दो, यानी कि नहीं चाहते वो रिपेयर करने, मतलब हो जाए उनका प्रोडक्ट, और वो तो नहीं चाहते हैं, उनसे तो हमें कुछ चुनौतियाँ है ही है, लेकिन हम ऐसे लोगों से भी परेशान हैं जो कि हमको टॉर्चर कर रहे हैं हीट लगा लगा के। अब मैं इसमें क्या करूँगा, कुछ नहीं होगा, अब इसमें मैं क्या करूँगा, है ना। अब अगर मान लो कि इसमें अलग कहीं रिक्वायरमेंट्स में कोई इश्यू है, उसको ठीक करके देता हूँ, तो जीपीयू में प्रॉब्लम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इसमें दिक्कत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अब क्या है ये, अभी इसका कहानी क्या है, अभी बनेगा,
क्या किया जा सकता है ऐसे लोगों का? कुछ नहीं किया जा सकता है, बस वही है कि कहने को हम 2022 में हैं लेकिन हम जी रहे हैं 2007-8-5 ऐसे टाइम पे, जहाँ पे हम एक सिर्फ ऐसा एक तो ये भी नहीं कुछ 1500 वाला मिलता था उसको ऐसे ऐसे करके चला लेते थे, डिस्प्ले आता था वो भी नहीं होता है तो क्या अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी का जो होता है ना वो पीछे में लगाने के लिए जो हॉट उसको ले आओ यहाँ से लगा दो, खोलना भी नहीं पड़ेगा, इसको खोलना भी नहीं पड़ता है, यहाँ से पीछे से लगा दो हीट रेडी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं, पीछे तो नहीं जा सकते कि टाइम मशीन नहीं है मेरे पास आज, मतलब यहीं पे मिलते हैं आगे कभी दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।